हमीरपुर जिला में वनों को आग से बचाने के लिए आम जनमानस अपना सहयोग सुनिश्चित करे, इसके साथ ही वनों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। इसके लिए वन विभाग के अधिकारियों को अवश्य दिशा निर्देश उपायुक्त हमीरपुर ने जारी किए। उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि निजी भूमि पर घासनियों को आग नहीं लगाएं तथा वन में किसी भी स्तर पर आग लगाने पर सजा का प्रावधान है। उन्होंने दमकल विभाग के अधिकारियों को भी सचेत रहने को कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर आग लगने के बारे में तुरंत वन विभाग फायर ब्रिगेड को सूचित करे ताकि समय पर आग पर काबू पाया जा सके। डॉक्टर ऋचा वर्मा ने निर्देश जारी किए कि सभी हाइड्रेंट सही स्थिति में होने चाहिए। इसके साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों में फायर ऑडिट भी अवश्य तौर पर तैयार रहने चाहिए। इसके साथ ही निजी भवन बनाने वाले मालकों को भी फायर ऑडिट करवाने तथा अग्निशमन यंत्र लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि किसी भी अप्रिय घटना से आसानी से निपटा जा सके। जनमंच की तैयारियों का हम ब्यौरा ले रहे थे। दूसरा, जो अभी समस्याएं आ रही हैं जिला में, जैसे कि पानी की और जंगल में आग की, उसके ऊपर विचार विमर्श किया गया और विभागों को दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर डीएफओ प्रीति भंडारी ने कहा कि वन विभाग द्वारा जंगलों में आग की विभिन्न घटनाओं में 40 मामलों में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। उन्होंने कहा कि वन विभाग के कर्मचारी नियमित तौर पर वनों का निरीक्षण कर रहे हैं तथा वनों को आग से बचाने के लिए विभाग द्वारा उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं। हमीरपुर जिला में किसी भी स्तर पर पेयजल की दिक्कत ना रहे, इसके लिए विभागीय अधिकारी उपयुक्त प्लान तैयार करें ताकि लोगों को असुविधा ना हो। उपायुक्त हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा ने हमीर भवन में हमीरपुर जिले में पेयजल की व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने आईपीएच विभाग के अधिकारियों से पेयजल के स्रोतों के बारे में अवश्य फीडबैक ली तथा प्रत्येक क्षेत्र में पेयजल की सुचारू व्यवस्था बनाने के लिए भी कारगर कदम उठाने के दिशा निर्देश दिए। वर्मा ने कहा कि हमीरपुर जिला में खराब हैंडपंप्स की मरम्मत करवाई जाएगी तथा इसके लिए आईपीएच विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने कहा कि सूखे से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पेयजल का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ भी सख्ती से निपटा जाएगा तथा इस बात किसी भी स्तर पर टुल्लू पंप के प्रयोग करने वालों पर अवश्य कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डॉक्टर ऋचा वर्मा ने कहा कि सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग को सभी पेयजल भंडार टैंकों की सफाई तथा क्लोरिनेशन करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही पेयजल के सैंपल भी नियमित तौर पर लेने को कहा गया है ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिल सके। वहीं उपायुक्त ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में पेयजल टैंकियों की सफाई बारे अवश्य कदम उठाए तथा नियमित तौर पर स्कूलों में पेयजल की टैंकियों की सफाई की जाए।